वैसे सीजनल फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा सर्दी जुकाम से काफ़ी अलग है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा के लक्षण सामान्यतः अचानक से दिखते हैं और बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। विषम हवामान और मौसम के बदलाव के कारण सीजनल फ्लू रोग प्रभावी और गंभीर बनता है, इसलिए पूरे भारत में सीजनल फ्लू के केस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वैसे इन्फ्लुएंजा के 4 प्रकार है, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी और इन्फ्लुएंजा डी। इनमें से इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी सर्दियों के मौसम में मनुष्यों में एपिडेमिक फैलान में जवाबदार होते हैं, और अगर इन्फ्लुएंजा ए के साथ नया वायरस मिक्स हो जाए तो नया स्ट्रेन बनता है, और इंसानों के अंदर इम्यूनिटी कम होने के कारण यह नया स्ट्रेन बहुत ही घातक होता है, इसलिए यह एपिडेमिक फैला देता है। इन्फ्लुएंजा सी बहुत ही माइल्ड और साधारण है और कभी भी एपिडेमिक फैलाता नहीं है। इन्फ्लुएंजा डी प्राइमरीली पशुओं में दिखता है और पशुओं में ही फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार, बहुत तेज बुखार आता है, गले में दर्द होता है, सर्दी, खांसी, बदन में दर्द, शरीर का टूटना, सांस लेने में तकलीफ वगैरह लक्षण दिखते हैं। इससे बचने के लिए, रोकथाम व नियंत्रण के लिए जन जागृति फैलानी चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना नहीं चाहिए, बार बार हाथ धोना चाहिए और इससे सतर्क रहे। थैंक यू।